हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत एक आप लोगों को पाया जाता है क्विक पार्ट गैलरी। ओके, तो आज इसी के बारे में हम लोग यहां पर एमएस वर्ड में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पर हमारे नए जुड़े होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हमारा बनेगा वीडियो, वह आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ यह टेक्स्ट जो है यहाँ पर टाइप किया गया है। इस टेक्स्ट को अगर आप लोग बार बार अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको जो है आप लोगों को कॉपी और पेस्ट करने वाला जो है यहाँ पर प्रॉब्लम झंझट जो है साफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत एक मिल जाएगा ऑप्शन क्विक पार्ट गैलरी। ओके, तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है और यहाँ पर नेम पूछा जा रहा है। तो नेम में आप लोग जो है कोई भी नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर दे रहा हूँ ए ए ए। ओके, तीन बार ए ए कर दिया यहाँ पर और यह जो है गैलरी में आपका सेव होगा क्विक पार्ट के अंदर। ओके, और जो है कैटेगरी में यह आपका जनरल रहेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं वह आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया। यहाँ पर सेव इन, तो सेव कहाँ पर हो रहा है यह ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको डिलीट भी करना पड़ेगा तो जहां सर सेव होगा जहां पर उसी अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेव आपका क्या हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम बिल्डिंग्स। ओके, और यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंसर्ट यहाँ पर। तो यह आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बस नेम दे देना है और यहाँ से ओके कर देना है। यह आपको काम हो चुका है। अब इसको जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे ए ए ए तीन बार और यहाँ पर क्या करना, क्लिक करने के बाद आप शॉर्टकट की भी प्रयोग कर सकते हैं F3। जैसे यहाँ पर F3 का प्रयोग करेंगे तो ये आपको जो तत्काल यहाँ पर मिल जाएगा। एक और देखा दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर ए ए यहाँ पर जो है तीन बार मैं टाइप कर लिया हूँ और यहाँ पर जाना है आपको इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ए ए नाम से। यहाँ पर देखेंगे कि वीडियो, तो इस पर खाली बस क्लिक कर देना, ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो इसका आप लोग बहुत ही आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट किया है आप लोग टाइप कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा यहाँ पर F3। F3 का कमांड का यहाँ पर यूज करना है, फंक्शन की के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाता है F3 यहाँ पर। तो ये आप लोगों को बहुत ही काम करने वाला चीज है। अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं टाइप कर दे रहा हूँ ASHISH या यहाँ पर टाइप मैं कर दे रहा हूँ देवराज COMPUT या कंप्यूटर आई इंस्टीट्यूट, ये आपका यहां पर टाइप कर दिया और इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, या तो बस खाली सेलेक्ट करना है। आप लोगों को ध्यान रखना, सेलेक्ट करना है और यहां पर क्लिक करना है। यहां पर आपको मिल जाएगा सिर्फ सिलेक्शन क्यूट, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए बी बी दो बार और यहाँ पर ओके कर देना है। ये आपका ओके हो गया। अगर इसको आप डिलीट कर दे रहे हैं बार बार, अगर इसकी आवश्यकता पड़ रही है तो बस यहाँ पर क्विक पार्ट में गैलरी में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हेडिंग के रूप में आ जाए करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप जो है क्विक पार्ट गैलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर जैसे कि मान लीजिए इसको डिलीट करना है, तो आप जो ये सेव किया गया था तो उसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना और जिस नाम से सेव किए हैं उसको आप लोग यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर हम ए ए नाम से दिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा मैटर जो है यहाँ पर क्या करेगा, प्रीव्यू करेगा। ओके, यहाँ पर लिखा गया क्लिक ए बिल्डिंग ब्लॉक टू सी इट्स प्रीव्यू। तो ये आपका यहाँ पर प्रीव्यू हो रहा है और यहाँ पर टाइप जो डिस्क्रिप्शन में डाले थे ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर क्या करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डिलीट,
यहां से डिलीट कर देंगे, और यहां से आप लोगों को क्या करना है, यस करना है, ये आपका डिलीट हो चुका है, यहां से क्लोज कर देना। यह आप मैटर यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको यह नजर नहीं आएगा, ओनली यहां पर क्या आ गया बी, क्योंकि इसको जो है मैं दोबारा जो है सेव किया था बी वाला, इसको भी डिलीट करना, तो यहां क्लिक करना है और यहां से हम ढूंढेंगे बी। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, या तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बी नाम से, डबल बी, ये आपका मिल गया है, यहाँ पर देखेंगे और इसको भी डिलीट करके यहाँ से ओके। ये आपका यूज बहुत ही सिंपल से इसका कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का अगर अंतर्गत देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। मैं यहाँ पर टाइप करके कुछ दिखा दे रहा हूं, जैसे आपका हो गया, यहाँ पर लिखा गया आशीष कुमार प्रजापति, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और जैसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, क्लिक करेंगे यही ऑप्शन आपको सेम दे रहा है। तो आपको यूज करना है ये टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत, ये आपको जो है सेव हो रहा है कहाँ पर, गैलरी में टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत। ओके, अब यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, ओके कर देना है। ये देखेंगे कि आपका जब ओके किए हैं तो यहां पर आपको मिल जाएगा यह टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत। ओके, तो इसका यूज बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो हम यहां पर इसको जो डिलीट करके यूज कर लेते हैं, बिल्डिंग्स में जाएंगे और यहां पर जिस नाम से सेव किए गए थे वहां पर यूज ढूंढ सकते हैं, यहां पर है टेक्स्ट बॉक्स, यहां पर यूज करना है आप लोगों को। ये आपको यहां पर मिल गया और इसको यहां से डिलीट कर लीजिएगा। ओके, ये आपका कहानी यहां पर हो गया। अब जैसे कि आपको अगर प्रयोग करना है, जैसे कि यहां पर मैं दूसरे पेज पर दिखा दे रहा हूं, कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये दूसरे पेज पर हम आ गए हैं यहां पर, और इसका हम यूज करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहां से एक ले ले रहे हैं शेप, कोई भी मान लीजिए यहां पर रेक्टेंगल ले ले रहे हैं और यहां पर ड्रैग कर दे रहे हैं, और यहां पर राइट क्लिक करना हो फिर से ऐड टेक्स्ट क्लिक कर दे रहा हूं, और यहां पर मैं टाइप करूंगा देवराज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आजमगढ़, और इसको क्या करना है आपको सेलेक्ट करना है, यहां से बोल्ड कर देना है, और ये आपको फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज यहां से कर सकते हैं। ये आपका हो गया है यहां पर इंक्रीज, और जितना इंक्रीज करना चाहते हैं यहां पर इंक्रीज आप लोग कर सकते हैं। यह हो गया आपका, अब फॉन्ट फॉन्ट में जाइएगा, यहां से जो है नो फिल कर लीजिएगा, और यहां से भी आपको यहां से नो आउटलाइन करना है, और टेक्स्ट का कलर जो भी देना चाहते हैं, यहां पर रेड कलर देना चाहते हैं रेड कलर, ग्रीन कलर, यहां पर जो भी कलर देना चाहते हैं यहां पर दे सकते हैं। चलिए तो यहां पर दे दिया, और इसको आप किस दिशा में रोटेट रखना चाहते हैं इसको, तो यहां पर क्या करता हूं ऐसे क्लिक करके यहां पर छोड़ देता हूं। ओके, और जब यहां पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस फॉर्मेट में आ चुका है। अब यहां से मुझे यूज क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहां पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज कर सकते हैं यहां पर सिर्फ सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स यहां पर गैलरी, क्लिक कर लीजिएगा और यहां पर जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे कि यहां पर मैं दे दे रहा हूं रामू। ओके, और यह जो है कहां पर यूज करना चाहते हैं, अगर हमें बाय द वे वाटरमार्क यूज करना है तो यहाँ पर आपको गैलरी में क्लिक करना है और यहाँ से वाटरमार्क यूज करना पड़ेगा। वाटरमार्क यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, यह आपका वाटरमार्क नीचे यहाँ पर मिल जाएगा, इसको क्या करना है क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिख रहा हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ ओके कर देता हूँ सीधा। जब ओके कर देंगे तो आपको देखेंगे, अगर मान लीजिए इसको आप डिलीट कर दे रहे हैं, बाय द वे आप यहाँ पर बार बार अगर आप लोगों को काम है इसका तो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे डिजाइनिंग में और यहाँ पर वाटरमार्क में, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो टेक्स्ट बनाए थे रामू के नाम से, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेज में यह आपको वाटरमार्क के अंतर्गत यूज हो रहा है। बार बार इसका यूज करना चाहते हैं तो ये आप लोग बस क्लिक करना है, यहाँ पर यूज बहुत ही आसानी से आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, जितना आप लोग चाहते हैं यहाँ पर
आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ओके, और डिलीट करना है तो सिंपल से यहाँ पर आप लोग रिमूव कर लेंगे तो ये आपका जो वाटरमार्क डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपको इसके अंतर्गत आप लोगों को फिर से मिल जाएगा। ओके, और यहां से रिमूव करेंगे तो यह वाटरमार्क देखेगा डिलीट हो रहा है, लेकिन वाटरमार्क के अंदर जो आपका दिया गया है यह आपका रहेगा। अगर इसको डिलीट करना है तो आपको रामू नाम से फिर से जाना पड़ेगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में वाटरमार्क यहाँ पर क्यूब पार्ट गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक पर क्लिक कर देना है, और यहां से आपको रामू नाम से ढूंढना है। तो रामू नाम देखेंगे यहाँ पर वाटरमार्क मिल गया है, और यहां से आप इसको डिलीट बहुत ही सिंपल आसानी से कर सकते हैं, इसको क्लोज कर लीजिएगा। ओके, अब आप लोगों को मान लीजिए हेडर का इस्तेमाल करना है, फुटर का इस्तेमाल करना है, तो आप ही बहुत सिंपल से आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, बार बार इसका आप लोगों को यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम टाइप कर दे रहे हैं देवराज कंप्यूटर, आजमगढ़, और इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं। यहां पर सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है मैं थोड़ा से इंक्रीज कर दिया फॉन्ट को, और यहाँ पर आपको बोल्ड दे दिया, फॉन्ट स्टाइल जो भी लगाना चाहते हैं एक बार में ही आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा दिया फॉन्ट, ये आपका लगा दिया यहाँ पर फॉन्ट, ये आपका फॉन्ट हो गया। अब इसका अगर यूज करना है आप लोगों को बार बार, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट में जाना है। आपको इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से सिर्फ सेलेक्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ मान लीजिए आशीष, यहाँ पर बस आशीष नाम से ओके कर देना है। तो लेकिन यहाँ पर गैलरी में आपको क्लिक करना है, और गैलरी में हेडर का इस्तेमाल करना है तो हेडर पर, और फुटर पर इस्तेमाल करना है तो फुटर पर, यहाँ पर क्या करना है क्लिक कर देना है और यहाँ से सिंपल सा ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखेंगे कि आप लोगों का यह जो जिस नाम से बनाया गया था इसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे और हेडर में यहाँ पर क्लिक करना है। हेडर में देखेंगे कि ये सबसे सिंपल जो ऊपर है यहाँ पर देखेंगे क्लिक कर देना है, ये आपको आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से फुटर में इस्तेमाल करना है तो मैं फुटर में भी टाइप करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमें यूज करना है, डबल टाइप करना है और यहाँ पर फुटर में टाइप कर देना है यहाँ पर चंडेश्वर आजमगढ़, और यहाँ पर मोबाइल नंबर ओके अब इतना क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और सेंटर में कर देता हूं, और यहां पर क्लिक करके फिर से बोल्ड और कलर आपकी रेड कर दे रहा हूं। ओके, और जो भी कलर देना चाहते हैं यहां से आप लोग दे सकते हैं। तो यहां क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर सेव सेलेक्शन को क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक करने के बाद गैलरी में आपको जो फुटर इस्तेमाल करना, ध्यान रखिएगा फुटर, और यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं चंडेश्वर, तो चंडेश्वर देकर के यहाँ पर क्या करना है ओके कर देना है। अब इसको यूज करना है, देखिएगा सिंपल सा इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से डिलीट आपका हो जाएगा। चलिए, तो अब यूज करना फुटर में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि चंडेश्वर नाम से यहाँ पर आ चुका है, बस यहाँ पर क्या करना है क्लिक कर देना है। ये देखेंगे कि यहाँ पर भी मिल चुका है। ओके, यहाँ से क्लोज कर देना है तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस पर अगर टेबल बनाना चाहते हैं, बार बार आप लोगों को टेबल की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या करना है एक बार आप लोगों को जनरेट करना है। जैसे कि यहाँ पर तीन यूज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर, और यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ लेशन, और यहाँ पर पेज नंबर। आपको बार बार इसकी अगर आवश्यकता पड़ रहा है, यहाँ पर मैं इतना दो बना दिया हूँ। अब इसको क्या करना है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर इंसर्ट में आना है और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देना है, फिर से सेफ सेलेक्शन टू यहाँ पर क्या करना है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम दे दे रहे हैं रॉकी, यहाँ पर हो गया रॉकी। अब यहाँ पर क्या करना है गैलरी में क्लिक करना है और यहाँ से टेबल पर क्लिक कर देना है, यहाँ से सिंपल सा ओके कर देना है, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करना है आप मैं डिलीट कर दे के यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, यह डिलीट हो गया आपका। अब इसको लाना कहाँ से देखिएगा ध्यान से, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर के टेबल में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्विक टेबल्स। यहाँ पर आपको सिंपल सा नीचे आएगा और यहाँ पर इसको ड्रैग करना है
तो जो आप बनाए रहेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक और नया बनाया हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, यही आपका है। तो या हम लोग किसी और पेज पर ये आपका इंसर्ट हो चुका है, मैं इसको फिर से डिलीट कर ले रहा हूँ एक बार। डिलीट हो चुका है यहाँ पर है, और मैं इसको लादना चाहता हूँ तो इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल पर क्लिक करूँगा क्यू, और इसको यहाँ से क्या करना है, टेबल पर क्लिक कर देना। यह आपको किस नाम से सेव किया गया था तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर है टेबल, यहाँ से इंसर्ट टेबल्स क्लिक करना है और यहाँ पर जनरेट कर देते हैं हम लोग है। पहले पेज पर आ जाते हैं, मान लीजिए ये आपका हो गया पहले पेज, यहाँ पर इंटर डिलीट हो गया सब। मैं एक पेज ले लिया नया, और यहाँ पर टेबल ले लेते हैं। ओके, टेबल पर हम जनरेट कर देते हैं, यह मान लीजिए ऐसे कुछ जनरेट करना है, और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पर लेसन, और यहाँ पर पेज नंबर, और यहाँ पर आप लोग टाइप कर लीजिएगा सिग्नेचर, और यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर। ओके, इतना करना है आप लोगों को। अगर इसकी बार बार आवश्यकता पड़ती है तो आप लोग क्या करना है, सिंपल सा आप लोगों को यूज करना है, यहाँ पर इसको जो है आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव सिलेक्शन टू क्लिक कर देना है। यहाँ से टेबल नाम इसको यूज करना, टेबल्स, और यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं मोहन, यहाँ पर ओके कर देना है। सिंपल सा ओके हो गया। अब इसका अगर यूज करना, टेबल में जाएंगे यहाँ पर क्विक में, और यहाँ पर टेबल जो है आप लोग यहाँ पर मोहन नाम से यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं मोहन नाम से यहाँ पर देखेंगे कि आपका मिल चुका है, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये सिंपल सा ऐसे ही आ जाया करेगा। ओके, फिर से जाएगा इंसर्ट में, और यहाँ पर इंसर्ट में टेबल, और यहाँ से क्विक पार्ट। ओके, अब नीचे आना है और देखेंगे मोहन नाम से क्लिक कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल इसमें यूज करना है, यूज कर सकते हैं। अगर टेबल को ये आपको मान लीजिए यहाँ पर आगे टैब बढ़ाना है टेबल, तो बस यहाँ पर क्लिक करना बाहर की तरफ और यहाँ पर इंटर यूज कर लेना है, ये आपका सिंपल से आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यह क्लिक करना है और इंटर करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है टेबल एक एक से यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। ओके, बाहर क्लिक करना है, एंटर क्लिक करना, बाहर क्लिक करना है, एंटर क्लिक करना। अगर टेबल को यहाँ से डिलीट करना होगा तो एक शॉर्टकट की आप लोग बहुत ही आसान बना सकती है। यहाँ क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा करके डिलीट का बटन जो है यहाँ पर यूज कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जो लोग लाइक नहीं किए हो वीडियो को हमारे लाइक कर दें, और जो चैनल पर नए नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे जो भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद।